हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम किस तरीके से अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में जो कीबोर्ड होता है उसको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस एंड्रॉयड फ़ोन में आपको सैमसंग का है, जिसमें इस तरीके से आपको कीबोर्ड मिलता है, लेकिन आप चाहते हैं कि इसको हम चेंज करेंगे और बिल्कुल यूनिक तरीके से, तो बिल्कुल आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो आज मैं फाइनली ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आपको करना क्या है कि आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरीके से अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हमें आना है सबसे पहले अपने प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ से आपको ऐप डाउनलोड करना है। इस ऐप का नाम है न्यून एलईडी कीबोर्ड, जैसे कि यह आरजीबी ऐप, इसको आप अगर डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा तो मैं बता दूंगा। तो ये ऐप काफ़ी ज़्यादा मतलब हेल्पफुल है, आप देख सकते हैं 10 मिलियन लोगों ने इसे डाउनलोड कर रखा है, इसकी रेटिंग भी अच्छी है। तो हमें करना है यहाँ से ओपन, तो यहाँ पे हम कर लेंगे वेट। इस तरीके से ये मतलब यहाँ पे सर्चिंग लेगा, तो हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे फटाफट हमारा ऐप जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे इनेबल का ऑप्शन आ रहा है, हमें सिंपली से करना है इनेबल। इस तरीके से हम ओके में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ से हमें हमारा जो न्यून एलईडी कीबोर्ड है इसको यहाँ से इनेबल कर देना है। करने के बाद आपको यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मिलता है सैमसंग कीबोर्ड और नीचे मिलता है इंग्लिश न्यून कीबोर्ड। तो आपको नीचे इंग्लिश न्यून क्लिक में क्लिक करके सेलेक्ट कर देना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि हमारा जो कीबोर्ड है बिल्कुल चेंज हो चुका है इस तरीके से। तो बिल्कुल आसानी से आप ऐसा चेंज कर सकते हो। उसके बाद आप आएंगे यहाँ पे माई फोटो कीबोर्ड। तो इस तरीके से यहाँ पे आके आप चाहे तो यहाँ पे अपना फोटो भी चूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आप यहाँ पे सिंपली से क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आपका गैलरी में आ जाएगा। गैलरी में आने के बाद यहाँ से आप अपना कोई सा भी एक फ़ोटो चूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे कि मैंने इस फोटो को ले लिया, तो सिंपली से आपको करना है अप्लाई। अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है कि प्रीव्यू कर देना, और देख सकते हैं कि आपका जो कीबोर्ड है कीबोर्ड में आपका फ़ोटो सेव हो गया है। तो इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा हो आप ऐसे कर सकते हैं। चाहे तो इसमें आप कुछ तरीके का यहाँ पे देम भी लगा सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप यहाँ पे आएंगे देम में, सिंपली से आप चाहे तो यहाँ से अपना देम भी चूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हम यहाँ पे आ जाते हैं बैक। बैक आने के बाद आपको मैं एक चीज़ और करके दिखाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको मिलता है बैकग्राउंड स्टोर। बैकग्राउंड स्टोर में आप आएंगे तो यहाँ पे मतलब बहुत सारे ऐसे बैकग्राउंड हैं जो यहाँ से आपको मिल जाएगा बिल्कुल अच्छी अच्छी तरीके का। तो आप चाहे तो इसमें बैकग्राउंड भी सेव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम आ जाएंगे बैक। तो यहाँ पे कुछ क्या होता है कि यहाँ पे आपके पास कुछ ऐड आएंगे, तो उन ऐड को सिंपल से आपको करना है बैक। उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन। सेटिंग में आप देख सकते हैं कि रिमूव ऐड का ऑप्शन मिलता है, बाकी शेयर रूल, तो इसको आप कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करेंगे या नहीं करेंगे। तो आप इसी ऐप के जो जरिए जो और भी ऐप है बहुत सारे, जैसे कि आप देख सकते हैं एलईडी इच लाइटिंग, एलईडी एसएमएन, 3D इलेक्ट्रॉन लाइव वॉलपेपर। जैसे लाइव वॉलपेपर के लिए आप बहुत ज़्यादा कमेंट करते हैं, तो आप चाहे तो यहाँ से इस लाइव वॉलपेपर को सिंपली से गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, और आपकी जो फ़ोन की जो स्क्रीन होगी इस तरीके से हो जाएगा लाइव वॉलपेपर, जैसे कि इस तरीके से बिल्कुल यूनिक तरीके से। आप चाहे तो सारा चीज़ कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो इस ऐप को जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली से क्या क्या करना पड़ता है मैंने सारा प्रोसेस आपको बता दिया है। तो सारा चीज़ आप यहाँ से कर लेंगे। यहाँ पे आपका लैंग्वेज भी मिल जाता है, चाहते आप चाहेंगे तो यहाँ से अपना लैंग्वेज भी चूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐड मिलेंगे, तो इन ऐड को आप सिंपली से यहाँ पे देख के रिमूव कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको सारा लैंग्वेज मिलता है, इंग्लिश हिंदी सारा लैंग्वेज मिलता है। तो यहाँ से आप अपना लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हैं। तो छोटी सी वीडियो थी, आपको कैसे लगी आप हमें नीचे कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।